कांग्रेस विधानसभा चुनाव से महज 5 महीने पहले एक तरह से पूरी ताकत लगाकर हर स्थिति में वार्ड में अपना पार्षद बनाना चाहेगी। बेमेतरा नगरपालिका परिषद उपचुनाव के नामांकन के अंतिम दिन दोनों ही राजनीतिक पार्टियों ने उम्मीदवारों के बारे में अपना अधिकृत प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। हालांकि कांग्रेस व भाजपा दोनों ही दलों के लोगों ने शक्ति प्रदर्शन नामांकन दाखिल किया है। 12 जून को अभ्यर्थियों द्वारा नाम वापस लिया जाएगा। वार्ड 6 के उपचुनाव में भाजपा लक्ष्मण यादव व कांग्रेस धर्म वर्मा के ऊपर दांव लगा सकती है। नामांकन दाखिल करने के अंतिम दिन कांग्रेस ने शक्ति प्रदर्शन कर नामांकन दाखिल किया। जनता पार्टी के लिए हर चुनाव जो है महत्वपूर्ण होता है और आज हम लोग वार्ड नंबर 6 मोभट्ठा के उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने के लिए आए थे। हमारे यादव जी ने आज पूरे पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ, लक्ष्मण यादव जी और उनके साथ पूरे हमारे पार्टी के वरिष्ठजन, पूरे कार्यकर्ता और उस वार्ड के पूरे मतदाता आज नामांकन दाखिल करने के लिए आए थे। बिल्कुल पूर्ण रूप से हम तैयार हैं। वार्ड नंबर 6 और मोभट्ठा के मतदाता जो है, अभी तक किए गए वर्तमान विधायक के जो काले कारनामे हैं उनके विरोध में मतदान करेंगे और निश्चित रूप से वहाँ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विजयी प्राप्त। नगर पालिका परिषद बेमेतरा क्षेत्र अंतर्गत वार्ड क्रमांक 6 मोभट्ठा के लिए कल तक 7 आवेदन प्राप्त हुआ था और 2 आवेदन भी प्राप्त हुआ है और कल इसकी समीक्षा की जाएगी और 21 सोमवार को प्रत्यक्षी नामांकन नाम वापसी के उपरांत किया जाएगा। नगर पालिका बेमेतरा में जो मोभट्ठा वार्ड 6 नंबर जो खाली हुआ है उसके संबंध में ये बातें आए हुए हैं। आज जो 9 तारीख का आखिरी दिन था उसमें हम लोगों ने कांग्रेस पार्टी की पूरी टीम यहाँ पर आकर नामांकन किए, जिसमें हमने कांग्रेस पार्टी की तरफ से श्री धर्म वर्मा को अपना प्रत्याशी अधिकृत किया है और उन्हीं के नामांकन में आज हम लोग कलेक्टर हैं।